करो स्टार्ट। स्टार्ट मैंने कर दिया है। अब यार कुछ पार्सल आए हैं, भैया बोल रहे हैं सरप्राइज है कुछ, देखो अब क्या पता चलता है। स्टार्ट हो चुका है अच्छा, तो बस अब चालू करो और बताओ कि क्या चक्कर है। हाथ मत काट लेना यार तुम। ये आया है वो फिल्टर पेपर। हाँ मैं अस्पताल में फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर मंगाया है मैंने। ये है तुम्हारे काम की चीज, सुन रहे हो? ये है तुम्हारे काम। ये मुझे दे दो। ऐसा लग रहा है मेरे को देख। कवर है क्या मोबाइल का? सबसे पहले तो आप ये देखिए। टैब है क्या? ये देखिए मेड इन इंडिया। और फिर देखिए ये, अरे यार समझे। यूएस यूएस मेड इन इंडिया यूएस फ्लैग। ये है धांसु चीज, ये है और मजेदार। ये लगेगा अपने एंडेवर में, मजा आ गया। फोर्ड इज अमेरिकन ब्रांड और अमेरिकन एसयूवी में अमेरिकन फ्लैग होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं तो थोड़ा इंडिया, नहीं तो लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं। लोग बोलेंगे कि अमेरिकन फ्लैग में दिक्कत हो जाती लोगों को आजकल, दिल पे बहुत तेज ले लेते हैं लोग। ये देखो अब अमेरिकन और इंडिया के दो की दोस्ती हो जाएगी अब। वाओ समझे, वो वाला दिखाओ। उल्टा झंडा उल्टा तो पकड़, नहीं सीधा पकड़, सीधा यार। ये है धांसू, 450 रुपए का एक। अच्छा अच्छा, ये और स्टील का नहीं हो सकता था क्या? और भारी भारी तो है पर यार ये काम की चीज है बहुत ज्यादा। अच्छा वो डेंट स्क्रैच मिटाने का है क्या ये पेन? वो है नहीं, ये वाइट कलर का है। हाँ समझ गया। मान लो अपना वाइट स्क्रैच कहीं गाड़ी में आ गया, अपन ने बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दिया उसको, समझ गया, तो वो वाइट में वाइट मिल जाएगा और स्क्रैच चले जाएंगे। ठीक है। ये वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है कि तुम समझो ट्रांसपेरेंट, वो नहीं है जी, वाइट ही है। ठीक है, वाइट गाड़ी के लिए है ना, दूसरी गाड़ी में नहीं लगेगा। वो दो लिए हैं मैंने ऐसे, लगाने पर वो एकदम घुल मिल जाएगा। नहीं नहीं सफेद रंग ही है वो। अब ये कौन सा खोल रहा है? ये मैं और दूसरा बड़ा वाला फोन जिसमें से आवाज आ रही है, रहस्य में ही आवाज खोलो इसे। अपन नहीं करते क्या ऐसे ही? फाड़ो उसको तो जानवरों की तरह। हाँ क्या है यार ये नट बोल्ट गिर रहे हैं उसके, जादू है जादू। हाँ लग ही रहा था मुझे। स्प्रे पेंट है वाइट कलर का, वाइट। अरे वाह यार, जैसे मान लो फोटरेस्ट में अपना इस कलर उधर गया, इसका प्लेट के अगल बगल, तो अपन ने ऐसे ऐसे किया, नहीं नहीं ऐसे ऐसे मार दिया, कलर वाइट हो गया। तो ये टचअप के लिए है, मतलब ऐसे कि आप गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए कि कहीं पड़ गया इसके अपन ने मार दिया, अब सही हो गया। टचअप है इसका, पेंट मल्टीपर्पज है। सबसे अच्छा ये है, ये क्या है? सबसे बेहतरीन। क्यों कर लिया अमेरिका का? क्यों लिए? क्योंकि अपनी गाड़ी अमेरिकन है ना यार। भैया सुबह सुबह गए थे कहीं काम पे और वहाँ से लौटे तो कल जो रात को मैंने आपको दिखाया था ना कि कुछ कुछ सामान लिया है वो लगाना था, अब मैं इतनी नींद में था मैं जैसे तैसे ऐसे ही मुंह को ऐसे धो के नीचे आ गया। मास्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कैसे भी दिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं होती, दाढ़ी बनाई है नहीं बनाई है, सोए हुए लग रहे हो कितने ही गंदे लग रहे हो, मास्क लगा लो आँखें दिखती रहती हैं और अब अपना काम कर लो व्लॉगिंग के लिए। ठीक है तो पिल्लू को लेके आ गया मैं, पिल्लू मेरी बाइक से बंधा हुआ है कहाँ, एक सेकंड दिखा। पिल्लू पिल्लू को मैंने अपने बाइक से बांध दिया, अब ये भैया कहीं आगे ले जा रहे हैं उसको, तो फिर अपन अपने कार का काम चालू करते हैं। ये स्कूटी में पिल्लू को बांध दिया है, अब यहाँ से ये दुनिया देखता रहेगा मस्त। और ये अपनी कार भी खड़ी हुई है, चलो अब स्टार्ट करें। तो यार ये वो स्प्रे है, तो काफ़ी कुछ तो भैया निपटा चुके हैं, जैसे ये जगह हो गई और ये जगह हो गई, ये पहले एकदम काली थी तो ये लगा लेना ज़रूरी होता है बारिश के पहले, तो जंग वगैरह नहीं लगती है। तो अभी भैया लगा के दिखा देंगे कि कैसे लगाते हैं इसको, ये जो दिख रहा है ना काला काला यहाँ लगाएंगे, मतलब जहाँ पेंट उधड़ गया है
जहाँ पे जंग लगने की, जहाँ पेंट लगा वहाँ तो जंग नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जहाँ पेंट उधड़ गया वहाँ पे लगा दोगे तो वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, बारिश के पहले काटना, थोड़ा ऐसे रोशनी आनी है। हाँ हाँ निकल जाएगी, निकल जाएगी शांतिपूर्ण में। तो क्या है अब ये जैसे शाइन करने लगा ना, अब इसमें जंग नहीं लगेगी, बारिश का पानी आएगा इसमें से बह जाएगा। और ये कितना सही दिखने लगा यार, मतलब ये पेंट हो गया और ये हो गया, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा अभी। अब ये सूखने के बाद क्या पता कैसा लगेगा, अच्छा ही लगेगा ना यार, ये भी तो सूखने के बाद अच्छा लग रहा है। यहाँ कहीं थोड़ा एक सा कोट इसमें कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा है तो अभी एक कोट इसमें और करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उधड़ गया था कलर, तो इसको कर देंगे तो ये सेफ हो जाएगा, इसमें जंग नहीं लगेगी। ठीक है करो। एकदम पेंट की वो बदबू खुशबू जो भी है वो आने लगती है। उसके बाद क्या है, जैसे ये एक्स्ट्रा इधर उधर हो गया ना, हाँ। तो मान लो नहीं चाहिए तो इसमें थोड़ा सा सैनिटाइजर ले लो और इसको तुरंत साफ़ करोगे तो ये साफ़ भी हो जाएगा। अच्छा, जहाँ नहीं चाहिए, हाँ, थोड़ा सा रगड़ दोगे ना तो हाँ। क्लीन हो जाएगा। अगर मान लो नहीं चाहिए तो की बता रहा हूँ, वैसे लगा भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मतलब पूरे में नहीं लगाना है, वैसे लोग कागज़ वागज रख के ऐसे करते हैं, मगर हमने नहीं लगाया। अब अपन उतना हाँ। तो क्या ही करेंगे, फटाफट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी गाड़ी है तो क्या करना है। हाँ, ठीक है। जहाँ भी रंग लगेगा ना वो जगह सेफ हो जाएगी कुल मिला के, भले ही वो सफ़ेद दिख रहा है मगर वो ख़राब नहीं होगा, उसमें कोट हो जाता ना। ठीक है। यहाँ आ रहा है मतलब वाइट पे वो दिख रहा है, अच्छा ही देखो। वाइट पे अच्छा लग रहा है, और मैं तो ये चाह रहा था लेफ्ट में इंडिया का लगा दो, राइट में वो अमेरिका वाला लगा दो, क्योंकि वो झंडा सुंदर लग रहा है असल में। तो यार केक हमको यहीं मिल गया, थैंक यू भैया आपका, मेरे को नंबर दे दीजिए, 50 रुपये ज़्यादा होंगे। अच्छा हाँ, तो बेटा तुम वो ले लो ना, जिससे वो 50 रुपये एक्स्ट्रा चले गए तो वापस कर देंगे। हाँ तो वो 400 का ही है, तो नंबर बता दो तो वो वापस करेंगे। 9893। अभी हम टेप से लगा के सिर्फ देख रहे हैं कि वो कैसा दिखेगा अगर यहाँ पे ये वाला लगाया जाए तो दूर से। अरे अरे गिर गया गिर गया, अमेरिका का झंडा था यार, कमज़ोर पड़ गया, अब इंडिया का लगा दो यहाँ फिर से लगा दिया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब अभी तो टेप से चिपका है, वो अच्छे से चिपक जाएगा मेरे ख्याल से। तुम इस तरफ ये रहने दो और ड्राइवर साइड पे इंडिया, दूर से देखने में ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है यार, नहीं एक्सपोज मतलब ऐसे आंखों को एकदम खींच नहीं रहा, इंपैक्ट नहीं आ रहा सलमान भाई वाला, तो उतना जरूरी भी नहीं है। हां ठीक है, ब्रांडिंग के पर्पस से। हां ये है वही बात यार, ये है जलवा, टेप चला, वाओ। ये आ चुके हैं भाई, इंडिया का झंडा लगा के एकदम धांसू, देखते हैं पास से। बात ही अलग है यार अपने झंडे की तो, क्यों है ना पिल्लू, है ना पिल्लू, ये भी तो इंडियन है अपना पिल्लू, पिल्लू इंडियन है, पिल्लू इंडियन है पूरी तरह इंडियन है ये। ठीक है फिर मेरे हिसाब से तो एक उस तरफ एक इस तरफ, अब देखो मजा भाई साहब, ये है आओ, मजा आ गया है ना, आहा क्या बात है। और ऐसे धीरे से अपन ऐसे ओवरकम कर लेंगे कुछ सालों में, ठीक है फिर मजा आ जाएगा लगाने की तैयारी चालू हो चुकी है। सही लग रहा है, एकदम सीधा भी है, लगा दो इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा अपने को, नहीं तो पता चला धीरे धीरे सरकते रास्ते में कहीं गिर गया। हाँ हो सकता है।
फाइनली ये तो लग गया, अब बारी आती है इंडिया के झंडे की। इंडिया के झंडे के लिए थोड़ा साफ सफाई की जाएगी, एकदम लिट लिट साफ सफाई। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करो ना लेफ्ट साइड से, हल्का सा झुकाओ, बस बढ़िया, हल्का सा झुकाओ, वापस वैसे ही हो गए तुम। चलो ठीक है, चिपक गया, जाने दो जाने दो जाने दो, बढ़िया, बस 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 हो गया। अरे हो गया नहीं चिपकेगा यार, ये लग रहा है यार धांसु बिट दादा, वो मैच कर रही है वाइट और इसके साथ यार, एकदम बेहतरीन। ये दरवाजा खोलने के बाद बेहतरीन लग रहा है यार, दोनों दिखे। हाँ क्या बात है यार, एक नंबर यार। जैसे ये एक बूंदी दिख रही है, ये क्या है यार लाल लाल? वो तो सिंदूर है। सिंदूर है, सिंदूर। तो ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, इसको भरने की कोशिश करेंगे। कम ऑन कर दो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऐसा ही होता है। अब वो दूर से तो समझ में ना आने वाला, ये समझ नहीं आता। फिर करो ये वाला जो डॉट है छोटा सा, इसको ऐसे कर दो, बुन 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 कर दो बस। हाँ बस इतने से तो काफ़ी है यार काम। और भी मेरे को तो कैमरे में, ओ अरे वाह, अरे बेटा दादा मैंने ऐसे धोखे से हाथ लग गया तो वो साफ ही हो गया, देख। हाँ वो घुस गया ना अंदर उस। हाँ चला गया वो, गुड यार। तो ठीक है, ये भी अच्छा पता चला, उसके ऊपर हाथ ऐसे कर दो पर तो वो भर जाता है। अरे जो कांच देख रहा है ना, इसकी खास बात क्या है? अभी भैया ने शोरूम में कुछ कुछ करवाया है इसमें, वो बताएंगे। बताना। इसमें ग्लास कोटिंग कराई है मैंने, ग्लास कोटिंग वाटर रेजिस्टेंट रहती है वो। हाँ तो उससे जैसे बारिश का पानी इसमें बहता है तो वो मतलब रुकता नहीं है, वो एकदम बह जाता है। और कपड़ा मारोगे तो एकदम से कुछ भी जाएगा, वो पानी के दाग नहीं छोड़ता, सबसे बड़ी बड़ी बात ये। हाँ पानी के दाग आते नहीं है उसमें, पानी के दाग बिल्कुल नहीं आते। और जो दाग आते भी मान लो सूख के ना, एक ऐसे कपड़ा मारोगे ना वो सब कुछ जाता है। ये तो मैंने तो देखा है, जब अपन बारिश में कभी निकलेंगे ना तो उसकी वीडियो भी डाल देंगे। बूंदे वैसे चटक चटक के निकल ऐसे गिरती है, सट 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 सट, तुरंत रुकती नहीं है बिल्कुल भी। उसमें तो उससे क्या विजन अच्छा रहता है और बारिश में दिक्कत नहीं होती। ये जलवा तो इसका ही है भाई साहब, वाओ वाओ। अरे हमारे पिल्लू को बहुत प्यार करते हैं सब, देखो वो गार्ड भैया ने देखा कि पिल्लू बंधा हुआ है तो मस्त उसको घुमाने लगे। ओए, क्या ये। क्या क्या ये भी दिखा दे अपन लगवाया। अरे हाँ ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है यार, ये ऐसा है जैसे फैमिली जब जा रहे हो कहीं लंबी जगह पे, समोसे कचौड़ी कुछ खाने का मन करा तो कभी कभी अपन रुकते नहीं और कार में ही बैठे बैठे खा लेते हैं ना, तो उसके लिए ये है। ये इससे ऐसे बंध जाता है सीट से मस्त, और फिर इसको जो खोलोगे तो ये लो, अब जो पीछे बैठा रहेगा मस्त। यहाँ समोसे वमोसे देखो ना, मेरा हाथ भी आराम से उसमें रखा जा रहा है, तो समोसे और खाना वाना तो हल्का ही होता है, ये मार रहा हूँ मैं उसमें। वो वाला भी अच्छा है, वो वाला भी खोल दो इसमें, देखना इसमें खोलो ना वो ऊपर से खोलो ऐसा। हाँ मज़ा आ गया। तो इसमें क्या है कि ये सैनिटाइजर रखने का भी है ये। अरे गुड यार, तो इसमें क्या है सैनिटाइजर के जो अपने वो रहते हैं ना नैपकिन, वो इसमें लगे रहते हैं, ये निकाल लो। अरे वाह, यहीं के यहीं हाथ हाथ पोछो पड़ेगा अपने, ऐसे हाथ साफ करके साफ कर लो अपने। पानी की बोतल रख लो, मोबाइल रख लो, टैबलेट रख लो, ये तो है ना सारी जगह है यहाँ पे, मोबाइल भी रख लो। हाँ बढ़िया। और सैनिटाइजर जो भैया बोल रहे थे वो ये है, नैपकिन्स वगैरह इधर रहती हैं, बॉटल्स यहाँ रख लो, कभी डिस्पोजेबल जरूरत पड़ी तो ग्लासेस भी, पीना है कोल्ड ड्रिंक पीना है कुछ करना है अपना पी लो। तो मजेदार चीज है मतलब, कोल्ड ड्रिंक ही पीना है लेकिन, कोल्ड ड्रिंक यस। हाँ। और कुछ नहीं भाई साहब। हाँ। मैं वो और किसी चीज को बढ़ावा नहीं देते, वैसे जगह तो यहाँ पे भी है, बहुत जगह है एंडेवर में, लेकिन वो एक अपना अलग मजा है। ये एक सेकंड, वाह पिल्लू के साथ। तो ये अमेरिका का हो गया ये, और ये इंडिया का हो गया, मजा आ गया। इसलिए चिपकाया, उसका कारण बता दो। कारण बताओ कि भैया फोर्ड जो है वो अमेरिका का ब्रांड है, अमेरिका का ब्रांड तो है। तो इसीलिए उसके साथ थोड़ा मैच करता है, इसलिए हाँ, लगाया है। ठीक है, और पिल्लू भी तो मैच करता है। वाह।
आया। यार केक हमारा आ चुका है, पापा को पता नहीं कि फादर्स डे हम थोड़ा पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि पापा को जाना है जबलपुर। इस वजह से हमने सोचा कि आज ही केक मंगा लेते हैं और आज पापा की ट्रेन है तो आज केक काटेंगे। पापा को पता नहीं है कि फादर्स डे का केक है ये, तो वहाँ पे रखेंगे हम केक और बोलेंगे बस ऐसे ही काटना है। और अचानक से पापा को बोला, कहेंगे ये देखो, तो उसने शायद लिखा हुआ है हैप्पी फादर्स डे, मैंने बोला तो था, अभी खोल के देखा नहीं है, अब लिखा है कि नहीं ये नहीं पता। तो ठीक है, देखते हैं यार, जाते हैं ऊपर, है ना, फिर ऊपर मिलते हैं। ले आओ राजा जी को, राजा जी को ले आओ। ये पापा, अच्छा ये रानी, रानी भी आ चुकी है। फादर्स डे तो लेट आएगा ना, आप आज जा रहे हो तो आज केक ले आए फिर आपका। बैड बॉयज खाने के वक्त आएगा। सुंदर है यार बहुत। वही पिलू, पिलू भी खड़ा है। चलो अब करेंगे अपन। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, यही बोल सकते हैं। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी डे ऑफ फादर, यही है और क्या, और क्या। लिफ्ट में एक अच्छी बात मुझे दिखी तो मैं बता दूं, हालांकि मुझे तो मालूम था पर व्लॉग अभी बन रहा है तो बता देता हूँ। ये जो एक फैन होता है ना जो लिफ्ट में लगा होता है, इसको एग्जॉस्ट बना दिया है, उल्टा कर दिया है इसे। ऐसे एग्जॉस्ट फैन होते हैं ना तो हवा बाहर जाती है, तो जैसे कोई भी यहाँ आता है कोरोना वाला भी अगर आया हो तो वो हवा बाहर हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे कॉलोनी में हुई है। तो यार पापा को छोड़ने जा रहा हूँ हबीबगंज स्टेशन, तो फिर वो चले जाएंगे, तो बस फिर ठीक है, देखते हैं फिर। ठीक है पापा, जय बाबा। हो एक कोरोना के टाइम पे पापा को छोड़ने आया था जब मैंने स्टेशन के बारे में बताया था, अभी तो कितना अच्छा हो गया है। देख ये मॉल वॉल भी बन रहा है, एकदम झांकी हो जाएगी जब ये थोड़ा अच्छे से बन जाएगा ना, तो इसका अलग से एक व्लॉग बना दूंगा अंदर बाहर दोनों जगह से, है ना। मस्त हो गया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सेफ बी हेल्दी।